हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का भूगोल का पार्ट सिक्स। आज का टॉपिक है हमारा नर्मदा सोन पठार। अगर आप मेरा पार्ट सिक्स देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पार्ट वन टू पार्ट फाइव देख लें, जिससे आपके बेसिक और जो टॉपिक हमारे छूटे गए हैं वो आपके क्लियर हो जाए, देन आप पार्ट सिक्स को देखें। तो आज हम डिस्कस करेंगे नर्मदा सोन पठार। तो नर्मदा सोन पठार कौन कौन से जिले को कवर करता है, तो हम यहाँ देख लेते हैं। अनूपपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर। तो अनूपपुर से जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन और बनानी, मतलब जहाँ जहाँ नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी अनूपपुर से निकलती है, गुजरात के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है ये अनूपपुर। यहाँ से जाती है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जहाँ जहाँ जाती है उन उन जिलों को वो कवर करेगी। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, बड़वानी से खंडवा, खरगोन, हरदा, होशंगाबाद, जबलपुर, जबलपुर से ही अनूपपुर से ऐसे। तो ये जो है हमारा, ये कहलाता है हमारा नर्मदा सोन पठार। मैं लिख देता हूँ, ये कहलाता है हमारा नर्मदा सोन पठार। ओके, नया लिख दिया, ये कहलाता है हमारा नर्मदा सोन पठार। और ये हमारा, ये पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 27% है, 27, क्योंकि बहुत बड़ा है। क्लियर? तो ये बहुत बड़ा, तो ये कितना परसेंट है? 27% है, लगभग 27% है एमपी मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का। मालवा सबसे बड़ा था क्योंकि वो 28% था, ये 27% है, तो ये दूसरा सबसे बड़ा भूभाग क्षेत्र है। ओके, तो अब हम इस पे की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। मैंने बता दिया आपको कौन कौन से जिले को कवर करता है ये नर्मदा सोन का पठार, और ये 27% है हमारे मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का। तो हम अब इस पे की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, जो जो पूछे जा सकते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भूभाग क्षेत्र है। तो ये दूसरा को अंडरलाइन कर लें, दूसरा सबसे बड़ा भूभाग क्षेत्र है जो पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है। मैंने आपको बताया मैप में ये पूरब से पश्चिम तक है, क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट ज़्यादा तक फैला हुआ है, ये पूरब से लेके पश्चिम तक। इसका क्षेत्रफल 86,000 किलोमीटर स्क्वायर है, टोटल है, ठीक है। और 27% मैंने बताया आपको मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल कितना है, ये 27% है, तो बहुत बड़ा भूभाग क्षेत्र है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, ये प्रदेश का सबसे निचला भूभाग क्षेत्र है। सबसे निचला भूभाग क्षेत्र अगर आता है तो नर्मदा सोन पठार आंसर करना है। इसकी औसतन ऊंचाई 300 से 400 मीटर है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी क्षेत्र है। अगर भारत का, मध्य प्रदेश का नहीं, भारत का, इंडिया का, हमारे भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी क्षेत्र कौन सा है? नर्मदा सोन का पठार जो है सबसे बड़ा नदी घाटी क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये पूछा जा सकता है कौन से पठार में सबसे ज्यादा गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, तो हमें आंसर करना है नर्मदा सोन का पठार में सबसे ज्यादा गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट्स। इस क्षेत्र के प्रमुख जिले हम डिस्कस कर ही चुके हैं, मैंने यहाँ नोट कर दिया, अनूपपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, हरदा, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, ये सब जिले इस पठार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ जो रहेगी, नर्मदा सोन पठार है तो नर्मदा नदी रहेगी, सोन नदी रहेगी और जोहिला नदी है जो यहाँ रहेगी। ओके, तो हम एक बार रिविजन कर लेते हैं जो हमने आज डिस्कस किया है नर्मदा सोन पठार के बारे में। तो नर्मदा सोन पठार हमारा 27% है टोटल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का, पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है। मैंने जिले डिस्कस कर ही लिए कि कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं, ये डिस्कस कर ही लिया है। और ये दूसरा सबसे बड़ा भूभाग क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल 86,000 किलोमीटर स्क्वायर है, ये हमने डिस्कस कर लिया। हमारे की पॉइंट्स जो थे हमने उसमें इसको नोट कर लिया है। नेक्स्ट है,
ये प्रदेश का सबसे निचला भूभाग क्षेत्र है, इसकी औसतन ऊंचाई 300 400 मीटर हमने लिए, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें हमने डिस्कस किया था, ये भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी क्षेत्र है, ये हमें याद रखना है। नर्मदा सोन पठार जो है, ये भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी या नदी घाटी क्षेत्र माना जाता है। सर नर्मदा सोन घाटी बोल सकते हैं या नर्मदा सोन पठार बोल सकते हैं, जो जो भी आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। नर्मदा सोन घाटी जो है वो भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी क्षेत्र है, ये याद रखना। और इस क्षेत्र में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि किस क्षेत्र में, कौन से पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, तो हम क्या आंसर करेंगे, नर्मदा सोन के पठार में पाई जाती है। और इस क्षेत्र की प्रमुख नदी हम डिस्कस कर लिए, नर्मदा है, सोन है और एक चोइला है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट पठार बचा हुआ है रीवा और पन्ना का पठार इस टॉपिक में से, तो हम उसको इसी में कवर करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रीवा पन्ना का पठार, तो हम उसको देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीवा पन्ना का पठार, जिसे हम विंध्य कगार प्रदेश भी बोलते हैं, तो हम देखते हैं मैप में। तो रीवा पन्ना का पठार है, तो रीवा पन्ना, तो ये है रीवा पन्ना, सागर दमोह सतना, सागर दमोह सतना कटनी इन सबको, छतरपुर इन सबको वो कवर करता है। तो मेनली ये है सागर, बना देता हूँ रीवा, यहाँ से कवर करता है दमोह कटनी, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्रों को बोलते हैं हम लोग रीवा पन्ना पठार। रीवा रीवा पन्ना पठार क्षेत्र को हम बोलते हैं। और ये मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का, इस पठार का जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 10.37% है, 10.37%, तो मैंने यहाँ लिख दिया 10.37% है, क्लियर। मैंने बता दिया किन किन जिलों को ये टच करता है और किन किन जिलों के अंतर्गत, कौन कौन से जिले इस पठार के अंतर्गत आते हैं, तो वो मैंने डिस्कस कर लिया। और उसके कुछ की पॉइंट्स हैं 3 से 4, तो वो भी हम देख लेते हैं, देन हम अपने सेशन को एंड करेंगे। तो हम की पॉइंट्स इसके देख लेते हैं क्या क्या है। यह क्षेत्र मध्य प्रदेश के पूर्व उत्तर भाग में स्थित है, तो ये हमें याद रखना है कि कहाँ स्थित है, पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व भी बोल सकते हैं, तो उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, जो विंध्याचल पर्वत के आसपास का क्षेत्र माना जाता है, तो ये भी याद रख सकते हैं, जो विंध्याचल क्षेत्र पर्वत के आसपास है वहाँ क्या है, रीवा पन्ना का पठार है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पठार में कुड़प्पा और कड़प्पा शैली की चट्टाने पाई जाती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कि कुड़प्पा और कड़प्पा शैली की चट्टाने कहाँ पाई जाती है, तो रीवा पन्ना के पठार में पाई जाती हैं। ओके, जो हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट प्रमुख जिले हमने डिस्कस कर ही लिए हैं, रीवा है, पन्ना है, सागर है, दमोह है, सागर है, दमोह है, सतना, छतरपुर, कटनी का कुछ क्षेत्र उसमें कवर किया जाता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है कि विंध्याचल पर्वत के आसपास का क्षेत्र ये रीवा पन्ना का पठार माना गया है, और कुड़प्पा और कड़प्पा शैली की चट्टाने इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। सिर्फ एक दो पॉइंट और है वो देख लेते हैं हम लोग, फिर हम ये सेशन एंड करेंगे। इस पठार का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रफल का 10.37% है, जो मैंने बता दिया आपको मैप में, तो हमें ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, 10.37% है, आ सकता है, क्योंकि आजकल पेपर थोड़ा वो घुमाकर पूछ रहा है, क्लियर। तो हमें ये याद रखना है कि इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश कुल क्षेत्रफल कितना है, 10.37% है। नेक्स्ट, इस पठार की प्रमुख नदियां जो है वो टोंस, तमसा, विहर और केन नदी हैं, जो इस पठार की प्रमुख नदियां हैं, ये हमें याद रखना है। तो हमने रीवा पन्ना के पठार में क्या क्या डिस्कस किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन हम अपना सेक्शन एंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ने रीवा पन्ना का पठार में कौन कौन से जिले को कवर करता है, सागर, छतरपुर, रीवा, पन्ना, सतना, दमोह, कटनी का कुछ क्षेत्र वो कवर करता है।
और इस पठार में सबसे पहले हमने डिस्कस किया कुड़प्पा, और कड़प्पा शैली की चट्टानें पाई जाती हैं, इम्पोर्टेंट है, और ये 10.37% है कुल एमपी के कुल क्षेत्रफल का, और विंध्याचल पर्वत के आसपास का ये क्षेत्र माना गया है। बस इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है, छोटा सा है, बस जल्दी ये हो जाता है। और प्रमुख नदियाँ इसमें है टोंस, तमसा, वियर और केन नदी है जो इस पठार से होकर हुए गुजरती हैं। नेक्स्ट टर्म पे हम पढ़ेंगे बघेलखंड का पठार और सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी, ये दोनों हम नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट टर्म पे हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।